हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया चमकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। क्या है ऋतिक रोशन की नेटवर्थ? क्रिश के लिए चार्ज करेंगे कितनी फीस? हेलो दोस्तों, पॉलीग्राड स्टूडियोज से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज़ क्रिश 4 के बारे में। भले ही बॉलीवुड में अपने स्टार्टिंग फेज में एक्टर्स को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है और शुरू में उनकी कमाई भी कुछ खास नहीं होती, लेकिन वन सक्सेसफुल इन एक्टर्स को काफ़ी ज़बरदस्त इनकम मिलती है जिससे इनकी सारी लग्जूरियस डिमांड्स फुलफिल हो सकती हैं। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इंडिया के रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में काफ़ी सारे एक्टर्स भी शामिल हैं। वैसे अमीरी को अगर साइड भी कर दें तब भी कई सारी फील्ड्स की टॉप लिस्ट में ये एक्टर्स नंबर वन पर हैं। बता दें कि ऋतिक रोशन को एक समय पर वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब भी मिल चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मोस्ट हैंडसम मैन होने के साथ साथ ऋतिक रोशन की कमाई भी काफ़ी तगड़ी है। ऋतिक रोशन इंडिया के रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में 7वें नंबर पर स्टैंड करते हैं और उनकी नेटवर्थ अराउंड 50 मिलियन US डॉलर्स है। बताते चलें कि इस लिस्ट में नंबर वन पर काफ़ी समय से किंग खान है विद अ नेट मिलियन वर्थ ऑफ अबाउट 750 मिलियन US डॉलर्स। बात करें ऋतिक रोशन की इनकम की तो वो अपनी कमाई का मेजॉरिटी पार्ट कार्स और लग्जरी शूज़ पर स्पेंड करते हैं। साथ ही उन्हें ट्रैवलिंग का भी काफ़ी शौक़ है और वो समय समय पर अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ और कभी कभी सोलो ट्रैवलिंग भी करते हैं। बता दें कि ऋतिक एक बड़े फिटनेस फ्रीक भी हैं और अपने ट्रेनर को मूवीज़ के लिए फिट बनाने के लिए वो 20 लाख रुपए तक पे कर चुके हैं। ऋतिक रोशन अपनी मूवीज़ के लिए काफ़ी हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं। अगर बात करें उनकी सबसे एक्सपेंसिव मूवीज़ की तो क्रिश फ्रेंचाइज उनकी सबसे हिट और सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्रिश मूवी का कॉन्सेप्ट इंडिया में उस समय काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग था, जो कि ऑडियंस को बेहद पसंद आया था। बता दें कि क्रिश के फर्स्ट और सेकेंड पार्ट्स के लिए ऋतिक ने मेकर्स से अराउंड 65 करोड़ रुपए चार्ज किए थे और अब उनकी इनकम में हाइक देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि क्रिश 4 के लिए ऋतिक एटलीस्ट 80 करोड़ की डिमांड तो करेंगे ही। वेल दोस्तों, ऋतिक रोशन की अभी तक की आपकी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ़।